तो फ्रेंड्स आपको बेडरूम टूर देने के लिए मैंने अपने बेडरूम को बिल्कुल भी एक्स्ट्रा कुछ सजाया नहीं है। सो गाइस दिस इज माय स्टूडियो जहाँ पे हम मोस्टली शूट करते रहते हैं और इसकी सफाई मोस्टली मैं खुद ही करती हूँ। हाँ वो दूसरी बात है कि बहुत बिखरा रहता है अक्सर। मैंने ये सेकेंड हैंड वार्डरोब्स ली हैं, इनको पेंट करवा के अपने हिसाब से जो है मॉडिफाई कर लिया है। तो डबल खर्चा मैं नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने आइडिया निकाला और ये वाला सोल्यूशन अपने लिए ढूंढ लिया। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने मुझसे बोला है कि मैं होम टूर दिखाऊं, लेकिन मैं होम टूर तो नहीं, लेकिन हाँ बेडरूम टूर काइंड ऑफ कह लीजिए वो दिखाऊंगी, और साथ में जो मेरा स्टूडियो है जो कि हमारा नेक्स्ट डोर हाउस ही है वो दिखाऊंगी। थोड़ा सा अरेंजमेंट करेंगे, साफ़ सफाई करेंगे हम साथ में मिलके, और उसके साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आप में से कौन कौन अपने हिसाब से चलता है। ज़रा समझिएगा इस क्वेश्चन को, अपने हिसाब से चलते हैं मतलब दुनिया की देखा देखी और दुनिया वाले क्या कहेंगे या उन्हें दिखाने के लिए नहीं चलते हैं, क्योंकि आज मैं कुछ बहुत पर्सनल चीज़ें आपसे शेयर करने जा रही हूँ। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं लता सबरवाल हूँ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। फ्रेंड्स मेरे चैनल पे आपको जो कुछ भी मिलेगा वो होगा एब्सोल्युटली ऑनेस्ट, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे यूजफुल लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिएगा ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपने अभी इतना सारा सामान बेड के ऊपर देखा और आप सोच रहे होंगे ये कौन सा रूम है। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है और बहुत मुझसे पूछते रहते हैं कहाँ रहते हो आप। तो एक्चुअली मैंने जैसा बताया था हमारे दो एडजॉइनिंग हाउसेज हैं, जहाँ मैं रहती हूँ वो वाला मैंने अभी आपको बेडरूम दिखाया, और ये वाला जो है मोस्टली मेरी मॉम रहती हैं और हम इस घर को स्टूडियो की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो जहाँ ये बात मैंने अभी कही थी ना कि हमारी अपनी ज़रूरत की कि हम उसके हिसाब से चलते हैं कि नहीं चलते हैं, बहुत से लोगों को शर्म आएगी ये चीज़ बताने में, लेकिन मैं आपके सामने एकदम खुल के बताना चाहती हूँ कि मैं इस घर में कुछ भी एक्सपेंसिव इंटीरियर वगैरह नहीं करा रही हूँ, क्योंकि मुझे नहीं परवाह है लोग क्या सोचेंगे, अरे ये तो सेलिब्रिटी हैं, इनको जो है इनके घर तो ऐसे लैविश होने चाहिए। हाँ जो हमारा रहने वाला है वो ठीक ठाक है, लेकिन मैं इन चीज़ों में ना पढ़ना चाहती हूँ, और आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप भी बिल्कुल मत पढ़िए। तो मैं अपने हिसाब से चलती हूँ, दुनिया के दिखावे में बिल्कुल नहीं आती हूँ। आपसे इसलिए ये शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने ये वार्डरोब्स अभी ली और वो सारा सामान जो आप देख रहे हैं मैं अभी दिखाऊंगी इसमें अरेंज कर दिया है, क्योंकि मोस्टली वो ऐसा सामान है जो हमारी शूट्स में यूज़ होता है, बहुत सारी साड़ियाँ जो हम रोज़ नहीं पहनते हैं, अभी आई विल जस्ट शो यू ऑल दैट स्टफ़। तो वो सारा सामान जो है आराम से इन वार्डरोब्स में आ गया, तो मैं बिल्कुल भी स्पेंड नहीं करना चाहती थी इनके ऊपर, क्योंकि मुझे नहीं पता मैं कब इंटीरियर कराऊंगी, दोबारा खर्चा होगा, अच्छा खासा खर्चा होगा। सो What I did, yes, I'm proudly telling you that मैंने ये सेकेंड हैंड वार्डरोब्स ली हैं, इनको पेंट करवा के अपने हिसाब से जो है मॉडिफाई कर लिया है। लोगों को लगेगा अरे आजकल तो वुडन वार्डरोब्स यूज होती हैं, तो वुडन वार्डरोब्स जो थी वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं, वो तब मैं बनवाऊंगी जब यहाँ पर मुझे पता लगेगा कि हाँ हमें परमानेंटली कुछ घर को यूज़ करना है या जैसे भी यूज़ करना है। तो डबल खर्चा मैं नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने आइडिया निकाला और ये वाला सोल्यूशन अपने लिए ढूंढ लिया। इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं इन्वेस्ट करना पसंद करती हूँ, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव वाले नहीं, वो वाले जो हमारे लिए यूजफुल हो, पॉकेट फ्रेंडली हो और सालों साल हमारा साथ दे। तो इस दिवाली पे मैंने दो प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट किया। सबसे पहला ये है अगारो का रॉयल मॉप एंड वैक्यूम क्लीनर एंड अगारो क्रेस्ट पोर्टेबल स्पॉट क्लीनर। तो फ्रेंड्स ये प्रोडक्ट्स इतने यूजफुल हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। अब हाउस हेल्प हमारी अगर लंबे टाइम तक छुट्टी पे भी चले जाए तो कोई टेंशन नहीं है। तो ऐसी सफाई आपने बिल्कुल नहीं देखी होगी फ्रेंड्स, इसलिए देखे बिना बिल्कुल बच जाइएगा। अच्छा तो इसमें दिया हुआ है ब्रशलेस मोटर और इसका सक्शन पावर है 16 kPa। तो ये जो दो टैंक्स दिए इनकी कैपेसिटी है 700 ml, एक है क्लीन वाटर टैंक एंड दूसरा है डर्टी वाटर कलेक्टर जिसमें गंदा पानी जमा हो जाता है। तो बस बड़ा इजी है, इसमें थोड़ा पानी डालना है, साथ में अगारो का भी क्लेंजिंग सॉल्यूशन दिया है, या फिर अगर आप अपनी पसंद का कोई डालना चाहे तो वो थोड़ा सा मिक्स कीजिए और बस देखिए फटाफट हमारे घर की सफाई हो जाएगी। अच्छा इसमें फ्रेंड्स तीन तरीके के मोड्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहला मोड है ऑटोमेटिक मोड, जिसमें वेट एंड ड्राई क्लीनिंग दोनों साथ में ही हो जाती है, चाहे कुछ भी फर्श के ऊपर गिरा हुआ हो, कभी बच्चे खाना वगैरह गिरा देते हैं या हमसे भी कई चीज़ें गिर जाती हैं, मुझसे तो एयर बहुत गिरता है, तो एक साथ ही जो है ये वेट एंड ड्राई क्लीनिंग कर देता है और बिलीव नहीं करेंगे एकदम फ्लोर चमक उठता है। खास बात यह है कि ये किसी भी टाइप की फ्लोरिंग के ऊपर चल जाता है, चाहे वो मार्बल हो, चाहे टाइल्स हो या फिर वुडन फ्लोरिंग हो।
दूसरा है स्टरलाइजिंग मोड जो कि हाइजीन के लिए बहुत अच्छा है, और ये मैं यूज़ करती हूँ यूजुअली किचन में या फिर बच्चों के कमरे में, या कभी ऐसा लगता है ना कि घर काफ़ी गंदा हो गया है तो उसके बाद। एंड इसका जो साउंड है ना वो आप बंद भी कर सकते हैं, ऑन भी रख सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी। जो तीसरा मोड है ये वन ऑफ माय फेवरेट मोड है, वाटर अब्सॉर्प्शन मोड, क्योंकि अक्सर पानी गिरता रहता है और थोड़ा भी पानी गिरे तो फिसलने का बहुत डर रहता है। मैं काफ़ी कॉन्शियस रहती हूँ इस चीज़ को लेके, तो एकदम से ये पूरा पानी खींच लेता है और साफ़ कर देता है। एकदम फ्लेक्सिबल है इसकी मूवमेंट, इसलिए जो है कोने कोने में भी आराम से चला जाता है। सो गाइज, दिस इज़ माई स्टूडियो जहाँ पे हम मोस्टली शूट करते रहते हैं और इसकी सफाई मोस्टली मैं खुद ही करती हूँ। हाँ, वो दूसरी बात है कि बहुत बिखरा रहता है अक्सर, क्योंकि सामान, शूटिंग एक्सेट्रा सब होता है। ईजी क्लेंजिंग मॉप दिया हुआ है, साथ में सेल्फ क्लीनिंग मोड मुझे बहुत ही पसंद आया क्योंकि खुद को अपने आप ही साफ कर लेता है। ये देखिए कितना सारा गंदा पानी, जो कुछ भी जमीन पे गिरा हुआ था, चाहे वो बाल हो या कुछ भी हो, कचरा वगैरह सारा इकट्ठा हो गया है इसमें। एक्चुअली झाड़ू पोछा लगाना कभी भी इतना आसान नहीं था। आई विश ये कोविड के दिनों में मुझे मिला होता। तो इसमें एक ट्यूब दी है जिसे हम इस तरह से अंदर साफ भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे इजी तरीका मुझे सफाई करने का नहीं मिला है। अब इन सबको हम वॉश कर लेंगे। और ये जो देख रहे हैं ना आप, ये बड़ी खास चीज़ है। ये जो इसके ऊपर कपड़ा लगा हुआ है ना, बड़ा ज़बरदस्त है, हर तरह के फ्लोर को बहुत अच्छे से साफ कर देता है। एंड बस हमें इसके पार्ट्स जो है वो पानी से धोने हैं। फ्रेंड्स, ये वारंटी के साथ आता है, बहुत ही ईजी है इसे यूज़ करना एंड बहुत अच्छी क्वालिटी का है। तो फ्रेंड्स, इसे चार्जिंग में लगते हैं 4.5 आवर्स। एक बार चार्ज कर दिया तो 38 मिनट्स चलता है। बस अब हम इसे इसके ऊपर रख देंगे चार्ज होने के लिए। तो ये भी बड़े कमाल की चीज़ है फ्रेंड्स। अगर आपको अपहोल्स्ट्री क्लीन करनी हो, कारपेट या फिर मैट्रेसेस, कुछ भी ऐसी चीज़ क्लीन करनी हो, दाग निकालने हो, तो ये लिया है मैंने अगारो का क्रेस्ट पोर्टेबल स्पॉट क्लीनर। अगेन, बहुत ईजी और बहुत अफोर्डेबल एडजस्टेबल। और इसके साथ आता है ये स्टैंडर्ड ब्रश, स्ट्रॉन्ग स्प्रे विद पावरफुल सक्शन, और ये है सेल्फ क्लीनिंग टूल। सबसे अच्छी बात ये इन प्रोडक्ट्स की कि ये खुद ही अपने आप को साफ कर लेती हैं। इसका 12 kPa का सक्शन पावर है एंड 450 वॉट्स है। और देखिए, एकदम पोर्टेबल है, आराम से इधर उधर कर सकते हैं इसे। तो ये ड्राई वैक्यूम है जो कि डस्ट वगैरह इकट्ठी हो जाती है हमारे सोफे के ऊपर, या फिर बच्चे कुछ खाते हैं, चूरा वगैरह गिरा देते हैं उसके लिए। तो फ्रेंड्स, ये भी वारंटी के साथ आता है। इसके जो दो टैंक्स दिए हुए हैं उसमें से एक है क्लीन वाटर और एक है डर्ट कलेक्टर। जो क्लीन वाटर है उसकी कैपेसिटी है 1.8 लीटर्स, और जो डर्ट कलेक्टर है उसकी 600 ml। तो वेट क्लीनिंग के लिए मैंने इसमें पानी डाल दिया है, एंड कोई भी अपहोल्स्ट्री क्लीनर डाल सकते हैं या फिर डिटर्जेंट डाल सकते हैं सॉफ्ट सा। एक्चुअली काफ़ी स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है क्योंकि हमें बार बार जो है सोफ़ा क्लीनर को नहीं बुलाना पड़ेगा या फिर ड्राई क्लीनिंग नहीं करानी पड़ेगी सोफ़े की। हमारे मुंबई में तो कंस्ट्रक्शन ही इतना चलता रहता है कि बहुत सारी धूल घर के अंदर आ जाती है, चाहे खिड़की बंद क्यों ना हो। तो वो सारी धूल जो सोफ़े पे चिपक जाती है, एक्चुअली काफ़ी हार्मफुल भी होती है हमारे लिए। सोफ़े का कलर तो साथ में बदल ही जाता है बिल्कुल। तो इसके लिए ड्राई वैक्यूम जो है कम से कम हफ्ते में एक बार करना ही चाहिए। वेट चाहें तो आप 15 दिन में एक बार या महीने में एक बार कर लीजिए। ये देखिए कितना सारा कचरा निकला है और कितनी सारी डस्ट हम लोग कंज्यूम करते हैं, हमारे अंदर जाती है। ओह माय गुडनेस, जस्ट लुक एट दिस। अब हम इसे सेल्फ क्लीनिंग मोड पे डाल देंगे। अब किसी दिन और जो है मैट्रेस वगैरह की क्लीनिंग की जाएगी। आई एम श्योर फ्रेंड्स, आपको ये प्रोडक्ट्स बहुत यूज़फुल लगे होंगे जैसे मुझे लगे। तो मैं सारे लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी ताकि आप आराम से इन्हें मंगवा सकें। तो आइए, अब देती हूँ मैं आपको अपना बेडरूम टूर। तो फ्रेंड्स, आपको बेडरूम टूर देने के लिए मैंने अपने बेडरूम को बिल्कुल भी एक्स्ट्रा कुछ सजाया नहीं है। जैसा हमारा बेडरूम अक्सर दिखता है, बस उसी तरीके से रखा है। तो चलिए इस कोने से शुरुआत करती हूँ और आपको बताती हूँ कि किस तरह से स्पेस यूटिलाइजेशन की जा सकती है।
तो ये आप देख सकते हैं मैंने फुल लेंथ मिरर लगवाया है, जो कि हम फीमेल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है साड़ी पहनने के लिए, रेडी होने के लिए। और उसके साथ ये जो टेबल है, इसके नीचे की जो स्पेस है, इसमें हमने ये पफी डाली हुई है जिसपे हम आराम से बैठ के जो है मेकअप कर सकते हैं। ये ड्रॉर्स भी दिए हुए हैं, जहां तक हो सकता है हमने मैक्सिमम ड्रॉर्स रखे हैं ताकि हमारी स्पेस यूटिलाइजेशन हो सके। और हर ड्रॉर में आपको आरफ का सामान ही दिखेगा ज्यादा से ज्यादा। ओके, तो ये है हमारी छोटी सी बास्केट जिसमें हम रोज की जो यूटिलिटीज है वो सब चीजें रख देते हैं, खास करके संजीव जी की हैं इसमें। और एक चीज और, सफाई को ध्यान में रखते हुए ये हमने जो है वॉल से चिपकाया नहीं है, ये पूरे का पूरा इस तरह से हट भी जाता है। इस तरह से हटा के हम आराम से पीछे की सफाई कर सकते हैं। तो अब आ गई है बेड की बारी। तो बेड में हमने इस तरीके के बॉक्सेस जो हैं वो दोनों साइड पे बनवाए हुए हैं ताकि रजाई, पिलोज, एक्स्ट्रा सामान, ब्लैंकेट्स वगैरह जो हैं वो आ जाएं। और ये बहुत स्पेशियस हैं, बिलीव मी। हाँ, इन्हें थोड़ा ऑर्गेनाइज करना है, टाइम मिलेगा तो इन्हें फटाफट करूंगी। अब ये हैं हमारी वार्डरोब्स जो कि काफ़ी पुरानी है। और एक आपको सजेशन दूंगी, अगर आप इस तरीके की वार्डरोब्स बनवा रहे हैं तो इस तरह से पूरी छत के ऊपर तक बनवाइएगा। हमने इस वाली वार्डरोब में थोड़ी सी गलती कर दी, हमने जो है पूरी छत तक की नहीं बनवाई, तो क्या होता है कि ऊपर डस्ट बहुत इकट्ठी होने लगती है। तो इसलिए जो है ये आप इस तरीके का ज़रूर कीजिएगा। हर चीज़ जो है वो स्टोरेज को ध्यान में रख के बनाई गई है ताकि काफ़ी सारा सामान जो है अच्छे से स्टोर हो जाए, हैंगिंग भी मिल जाए और रखने वाली शेल्व्स भी। आप चाहें तो इस तरह के स्लाइडिंग शेल्व्स भी लगवा सकते हैं ताकि आराम से कपड़े बाहर आप निकाल सकते हैं और उसमें से चूज कर सकते हैं, फिर इस तरह से कपड़े खराब नहीं होते। ये कबर्ड और ये वाले ड्रॉर्स हमने तब बनाए थे जब आरफ पैदा होने वाला था, ताकि बच्चे के लिए स्टोरेज स्पेस मिल जाए। लेकिन अब जो है इसमें बहुत सारे पेपर्स वगैरह भरे हुए हैं जो कि अक्सर काम आते हैं। नीचे वाले ड्रॉर्स में भी कुछ कुछ रखा है और इसमें भी जो बड़े बड़े बैग्स वगैरह जो यूज़ नहीं होते या काफ़ी सारे ऐसा सामान जो इस्तेमाल नहीं होता वो रख दिया है। इस तरफ भी एक छोटी सी नीचे सिमिलर तरीके की कबर्ड है जिसे हमने एक्चुअली आरफ की कहानी की किताबों के लिए बनाया था, लेकिन अब कहानी की किताबें दूसरी जगह शिफ्ट हो गई हैं तो ये स्पेस फिलहाल थोड़ी खाली है। एक चीज दिखाती हूँ जिससे थोड़ी आवाज होगी तो डरिएगा नहीं। ये देखिए, वैसे तो हमारे पास वो आइनिंग टेबल आपको दिख रहा होगा रखा हुआ है, लेकिन अगर कभी उसे खोलने का मन ना हो तो हमने ये इस तरीके का जो है शेल्फ जो कि फोल्ड हो जाता है वो बनवाया हुआ है, ताकि कभी चाहिए तो कुछ हम ग्लास वगैरह रख सकते हैं, खाने की कोई चीज़ भी रख सकते हैं, चेयर रख सकते हैं, छोटा सा डाइनिंग टेबल बन जाता है या फिर कपड़े भी आयन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक द ब्लॉग। ऑल द लिंक्स आर गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और क्या देखना चाहते हैं मुझे ज़रूर लिखिएगा।